एक ओर गुजरात के विकास मॉडल का उदाहरण दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के कई इलाकों में लोग प्राथमिकी सुविधाओं से वंचित हैं। गर्मी शुरू होते ही पानी की कमी शुरू हो गई है। अहमदाबाद के फतेहवादी इलाके में पानी की भारी किल्लत के चलते बच्चे और बूढ़े सुबह होते ही पानी के टैंकर की राह देखने लगते हैं और टैंकर आते ही लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि पानी भरने के लिए युद्ध जैसा माहौल भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक। एक ओर हमारा देश बदल रहा है और दूसरी ओर उसी को चैलेंज करती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए ये सारी तस्वीर, विजुअल्स हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो लाइन है वो पानी के किल्लत के कारण है। इधर लोग बड़ी कतार में खड़े हुए हैं पानी भरने के लिए, मटका हो या फिर बाल्टी हो, इतनी बड़ी कतारों में लोग इधर खड़े हैं अपना सारा कामकाज छोड़कर। बस इनका सबसे पहला एक दिन का ध्येय होता है कि हमें हमारी जरूरत के हिसाब से पानी जरूर से मिले। इधर और साथ में टैंकर राज भी आप देखने को मिल सकता है। अभी हम अहमदाबाद के फतेहवाड़ी और ग्यासपुर इलाके में हैं जहाँ पे ये पानी की किल्लत नजर आ रही है। लोगों कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं और साथ में परेशानी से बल्टी, एक एक बल्टी पानी भर रहे हैं। दूर तक इन लोग को पानी भर के ले जाना पड़ता है, यही पानी की किल्लत नजर आ रही है। आप कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं? हमारे को यहाँ पे 15 फुट पे पहले पानी था। मैं राशिदा शुमया मस्जिद फतेहवाड़ी से, 15 फुट पे पानी था। फिर उसके बाद हमारा पानी काला हो गया। उसके बाद पंपिंग प्लान बने, उसमें हमारा पानी सब खींचा गया। हम कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, बहुत परेशानी। और लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चे स्कूल के लिए, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, पानी के लिए स्कूल नहीं जा सकते बच्चे। टैंकर आता है तो शेर कैसे आता है तैसे भागते, जान बचा। इस तरह हम टैंकर आता है तो पानी के लिए, हम पानी के भरने के लिए भागते हैं। इतनी किल्लत परेशानी से हम यहाँ रह रहे हैं। कितने टाइम से आपको ये सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 16 साल से पानी का हम सामना करते हैं। और जितना पानी हम भरते हैं इसी दवाइयों से हमारी दवाओं के अंदर पैसा जाता है, क्योंकि मेरा बीपी लो होता है और यह मारामारी होती है। कई लेडीज बीपी लो होता है, इसी वजह से चक्कर आके गिर जाती है। ये सब सामना करना पड़ता है। और पानी कॉरपोरेशन तो दिया तो नहीं, कुदरती अधिकार भी हमारा छीन लिया गया है। इसीलिए हमें 6 महीने के अंदर ही हमारे म्यूनसिपालिटी का कॉरपोरेशन का पानी चाहिए। यानी पानी की मांग कर रहे हैं ये लोग, 6 महीने के अंदर इनको कॉरपोरेशन के द्वारा पानी देने में आए। वैसे ही इधर के लोग मांग जरूर से कर रहे हैं कि सरकार इनको पानी जरूर से दे और सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करे। एक एक बाल्टी के लिए कितने तरस रहे हैं ये, कितनी किल्लत आप महसूस कर रहे हैं पानी? परेशानी बहुत, तकलीफ होती है। बच्चे छोटे छोटे होंगे पानी के लिए, हमको मारे मारे फिरना पड़ता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई एक दूसरे को धक्कम धक्की कर देते हैं। लाइन में लगने के बाद भी पानी मिलता नहीं है। 15-15-16 साल हो गए, पानी आता है नहीं आता हैगा, मिलता है नहीं मिलता हैगा, का पानी मिलता है नहीं मिलता है। कभी तो नंबर में लगने के बाद में टैंकर चला जाता है, एक ढोल मिलती है नहीं मिलती हैगी। नहाने के लिए, स्कूल के लिए बच्चों की परेशानी होती है, बच्चे को कभी कभी मुँह धुला के भी स्कूल भेजा देना पड़ता है, नहीं बिलाए। पानी पीने का भी घर में नहीं होता हैगा, पीने का पानी भी नहीं होता है। वहीं एक छोटी सी बच्ची भी है, वो भी एक 2 बाल्टी खड़ी हो गई है पानी के लाइन में खड़ी है। आप पानी कितने टाइम से भरने के लिए, कितने टाइम से आप लाइन में खड़े हुए हो? हम बहुत देर से खड़े हैं, हमारे को कभी पानी नहीं मिलता। हम यहाँ खड़े रहते फिर भी हमारे को एक डोल नसीब नहीं होती। हम स्कूल, हमारा स्कूल जाना तकलीफ हो जाता है। हम स्कूल जाते हैं तो यह टैंकर आ जाता है, तो हमारे को स्कूल ही जाना टाइम नहीं मिलता। हमारे को यहाँ 2 बाल्टी भरते तो भी हमारे नसीब पानी नसीब नहीं होता। हमारे को पानी की बहुत ज़रूरत है, हमारे को बिल्कुल पानी की बहुत ज़रूरत है। इतनी बड़ी लाइन में, इतनी बड़ी कतार में खड़े रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोगों को पानी नहीं मिलता है। और अहमदाबाद की पब्लिक, अहमदाबाद के आजू बाजू का इलाका है वो, वहाँ पर टैंकर राज ज़रूर से चल रहा है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 दृश्य बयां करती है, और ये अहमदाबाद के आसपास के इलाके की तस्वीर आपने देखी तो गांव का हालत का अंदाज आप खुद भी लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ सौम्या सिंह, गुजरात तक, अहमदाबाद।